यहाँ पे वो डांसिंग बोर्ड देख रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ म्यूजिक होगा। हेलो नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, कैमन आचो, दिस इज मोहम्मद जाहिद इकबाल खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेड आई खान ब्लॉग्स। तो मैं एक्चुअली हाँ हैदराबाद से वापस आ चुका हूँ, बट वीडियो बनने में थोड़ा सा समय लग रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कुछ काम मुझे भी है, कुछ पर्सनल काम है और भी बहुत सारे घर पे भी काम है, जिस वजह से मुझे वीडियो एडिट करने में थोड़ा सा समय लग जा रहा है। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि पर्सनल काम और घर के काम जो होते हैं वो कितने लोगों को उलझा देते हैं ना। तो ठीक है, थोड़ा सा सब्र रखिएगा और वीडियो जो है वो बहुत ही अच्छे अच्छे आने वाले हैं अभी। तो गाइस, जैसे कि आपने देखा था लास्ट वीडियो में कि हम लोग चार मीनार घूमने गए थे, तो हम लोग चार मीनार घूमने के बाद वहाँ से हम लोग गए थे हुसैन सागर। तो अभी आप लोग देखिएगा, हम लोग हुसैन सागर गए थे और वहाँ पे हम लोग बुद्धा स्टैचू हम लोग घूमे थे। तो गाइज अभी हम लोग आए हुए हैं लुमिनी पार्क में और यहाँ पे ये बेसिकली ये टिकट है, ये 50 रुपीज़ का है और यहाँ पे सिंपल से सिर्फ बोर्ड है और एक है डांसिंग बोर्ड। तो डांसिंग बोर्ड देखिए कुछ इस तरह दी, यहाँ पे वो डांसिंग बोर्ड देख रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ म्यूजिक होगा, डांस होगा, सब कुछ होगा। बुद्धा स्टैचू को करीब से जाकर के देखने के लिए आपको बोट लेना पड़ेगा और जिसका आपको किराया पड़ेगा आपको 50 रुपीज़ नॉर्मल बोट का, और एक डांसिंग बोट है, अगर आप उससे जाते हैं तो उसके लिए आप 100 रुपीज़ देने पड़ेंगे पर हेड। और एक जेट बोट है जो कि स्पीड बोट जिसे बोलते हैं, अगर आप उससे जाते तो 350 से 400 लगभग आपको पड़ेगा, वो भी अच्छा है। बट हम लोग जो गए थे तो उस वक्त हम लोगों ने ये 50 रुपीज़ वाले बोट से, तो ये देखिए आप लोग अभी हम लोग उसी से जा रहे हैं। तो हुसैन सागर एक मैन मेड वाटर बॉडी है जिसे इंसानों के जरिए बनाया गया है। एक्चुअली ये जो झील बनाया गया था इसे पीने के पानी के तौर पे यूज़ करना किया जाने वाला था, बट जैसे जैसे यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया बसते गए, जैसे जैसे यहाँ पे इंडस्ट्री फैक्ट्री बसते गई, वहाँ पे और ज़्यादा उस पानी को पॉल्यूटेड करता गया सारा कंपनी के जरिए, और उसके बाद ये पानी बिल्कुल भी पीने के लायक नहीं बचा। इस बुद्धा स्टैचू को आप मेरे हैदराबाद का पहला व्लॉग में भी आप देख सकते हैं, जब मैं हैदराबाद जा रहा था तो ये रास्ते में मुझे दिखा था, आप लोग उस व्लॉग में आप देख सकते हैं। और ये बुद्धा स्टैचू जो है ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव जगह लगेगी अगर आप वहाँ से गुजरिएगा, या अगर आप बुद्धा स्टैचू के पास जाइएगा देखिएगा आप लोगों को कि बीचों बीच हुसैन सागर के बीचों बीच ये बुद्धा का स्टैचू है, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने से, चाहे उसे दूर से देखिए आप चाहे उसे करीब से भी देखिए। आपको मैं एक मज़े की बात बताता हूँ कि ये एक मोनोलिथिक बुद्धा स्टैचू है। मोनोलिथिक बुद्धा स्टैचू मतलब कि एक ही पत्थर को तराश करके पूरा एक बुद्धा का स्टैचू बनाया गया है, तो ये बहुत ही ख़ास बात है। ये जो बुद्धा का स्टैचू है ये है 58 फीट टॉल है और 350 टन इसका वेट है। यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं तो इस बोट से आए हुए थे, देखिए यहाँ पे चारों तरफ से। और आज कुछ ज़्यादा भीड़ भी नहीं है तो इसी वजह से थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब मैं थोड़ा सा पीछे भी देखता हूँ इसका कैसा। बुद्धा स्टैचू देखने के बाद हम लोग वहाँ से निकल कर के सीधा गए थे नामपल्ली, जहाँ पे फेमस आइसक्रीम क्लॉक टावर, अगर आप लोग वहाँ पे हैदराबाद गए हैं तो वहाँ पे क्लॉक टावर है जहाँ पे फेमस आइसक्रीम, वहाँ की आइसक्रीम बहुत ज़्यादा फेमस है। और वाकई में अगर आप लोग वहाँ जाते हैं
नामपल्ली वो क्लॉक टावर के पास, तो वहाँ की आप आइसक्रीम खाना वो बहुत ही टेस्टी है। तो वो मैंने हम लोगों ने खाई और वो देखिए आप। तो गाइज़, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे इस चैनल ज़ेडाई खान व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी करूँगा, जो भी लोग मेरे नए मेरे वीडियो पे आ रहे हैं, मेरे चैनल पे आ रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर मेरे चैनल ग्रो होगी तभी तो इससे हम लोगों को या मुझे मोटिवेशन भी मिलेगी कि ताकि आगे और ज़्यादा अच्छे कॉन्टेंट और अच्छी वीडियो भी मैं बनाऊँ आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ गाइज, आप लोग प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड खुदा हाफिज़।